ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी जो बॉलर है भारत के, उनके ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ की गई है। तो आप भी जो है स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर थे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ये कहा था कि ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए हमको पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को खोया कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा सवाल जहाँ तक के मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई, खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना, ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को, जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है? ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। मेडिकल सुविधाओं को लेकर काफ़ी बात कही जा रही है, कई चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं, और उसमें योगी जी ने भी कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग मेडिकल सुविधाओं से वंचित रहे, जिनकी मौतें हो गई, उन लोगों को एक तरह से श्रद्धांजलि होगी जो सुविधाएं दी जा रही हैं। तो योगी को श्रद्धांजलि दो बोलिए, जो गंगा पे लाशें तीर रही थी, जो नदी के किनारे जो कुत्ते लोच कर लाशों को खा रहे थे, उनको भी श्रद्धांजलि बोलिए, बोलेंगे उनके लिए वो, जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिली, उनके बारे में बताइए। योगी, क्या योगी ये कहना चाह रहे हैं? योगी को ये भी कहना चाहिए ना, उनको भी दीजिए आप, फिर बताइए उनके बारे में क्यों नहीं बोलते योगी। ये तो ड्रामा कर रहे हैं। आपको हम आपको फिगर्स दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज शॉर्टफॉल है सब सेंटर्स का 13,944 का, आपके लिए 40% इसमें शॉर्टफॉल है उस दूस में, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर में शॉर्टफॉल है 2,936 का, ये 49% शॉर्टफॉल है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में। हाँ, सी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 53% का शॉर्टफॉल है, जो नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ना, उसमें 84% का शॉर्टफॉल है।